तो सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र है और मैं ओला उबर में गाड़ी चलाता हूँ। आज हमारे साथ राहुल भाई है जो पेटीएम पर अकाउंट बनाते हैं। तो यदि आपको अकाउंट बनाना है, यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन करना है, तो आप जो है तो घर बैठे जो है इनसे कॉन्टेक्ट करके तो आप अकाउंट बना सकते हैं और आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये राहुल जी, हाँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आपने जो है तो समय दे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। तो इसमें मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा खाली। सिर्फ आधार कार्ड? खाली अगर ओला उबर की टैक्सी कैब या ऑटो रहेगी, हाँ, तो आधार कार्ड और लाइसेंस लगेगा। आधार कार्ड और लाइसेंस, हाँ, अगर शॉप वगैरह रहेगा तो खाली, हाँ, आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड लगेगा। तो आधार कार्ड आपको व्हाट्सएप, आपको इनका व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाँ, तो आप जो है इनको व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर फोन भी कर सकते हैं ना, एनी टाइम चलेगा? एनी टाइम फोन कर सकते हैं आप। तो आधार कार्ड अपडेट करेंगे तो आधार कार्ड और लाइसेंस लगेगा, बस लाइसेंस लगेगा। अगर नॉर्मल कोई पर्सन करवाना चाहता है, हाँ, तो खाली आधार कार्ड। आधार कार्ड, अच्छा। अगर स्विगी जोमेटो वाले भी रहेंगे उनको भी कराना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, स्विगी बाइक डिलीवरी वाले हो गए, जी जी, उनका भी कर सकते हैं। सही। तो इसको अगर मतलब QR कोड वगैरह तो आपको उसमें से मिल जाएगा, हाँ, उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे तो उनको QR कोड उसके अंदर जनरेट होके भी मिल जाएगा, यहाँ से करूँगा तो। अच्छा, आप यहाँ से करेंगे तो आप वहाँ पे उनके मोबाइल में मिल जाएगा। जी जी जी। अगर QR कोड उनके घर पे अगर ट्रांसफर करना है तो हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना, हाँ। जी जी। तो आपको कुछ भी पूछना है तो भाई से, राहुल भाई से जो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए। इसमें दो अकाउंट होते हैं, मैंने बनवाया है, एक बिजनेस का होता है और एक पर्सनल, एक पर्सनल होता है। तो हम लोग जो है वो बिजनेस का बना के, हाँ, तो ये बिजनेस का बना देते हैं। और उसके फायदे बताए ना, क्या क्या फायदे? फायदा ये है कि तुम मतलब डेली का लिमिट 1,00,000 रुपए के ऊपर ट्रांजेक्शन ले सकते हो कस्टमर से। अच्छा, हाँ। और इसमें अगर मेरे पास है तो उसमें लोन फैसिलिटी भी होता है? लोन फैसिलिटी होता है, वो सिविल के ऊपर मिलता है। जैसा पहले कोई लोन वगैरह रहेगा आप पे, हाँ, और पेटीएम पे अच्छे ट्रांजेक्शन हो रहे, हाँ, तो आसानी से मिल जाता है। जी, मेरा पहले से लोन है गाड़ी का तो मेरा सिविल स्कोर भी उसमें फ्री में दिखा था। फ्री में दिखा था। कितना है आपका सिविल स्कोर, अच्छा है या खराब है या बहुत अच्छा है, वो भी दिखाता है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्रेडिट कार्ड जैसा भी सिस्टम होता है, हाँ, पेटीएम पोस्टपेड करके, हाँ, पोस्टपेड करके, उसपे स्टार्टिंग लिमिट मिलती है 1,000 रुपए से मिलती है, हाँ। तो मेरा अच्छा था इसलिए मुझे ना लगभग 53,000 मेरा दिखा रहा है, तो मैंने आज ही उसका पेमेंट भी किया था। तो वो भी एक फैसिलिटी है और इसमें लोन की फैसिलिटी भी है ना? लोन भी है, हाँ। उसमें ट्रांजेक्शन ऐसा रहेगा तो हमें लोन की फैसिलिटी, हाँ, मिलती है। मतलब इसमें सब फैसिलिटी है ना, हमें अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो हम उससे जो है ले सकते हैं। और इसका पे करने का कैसा होता है? मतलब अगर मैं कस्टमर हूँ, आपको स्कैनर पे पेमेंट किया तो इंस्टेंट अकाउंट में आते हैं, सेटलमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो और इसमें कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ और कुछ जानकारी ऐसा? और जो भी है वो तुम्हें थोड़ा कॉल पे बता सकते। जी जी। तो जो भी कुछ रहेगा तो ये भाई को आप फोन कीजिए। और कहाँ पर भी हो, कौन से भी एरिया में हो, मुंबई में कहीं भी रहोगे आ जाऊंगा, हाँ, मुंबई में अगर कहाँ पर भी रहेंगे तो ये भाई आ जाएंगे। लेकिन अगर बाहर हो, ऑल महाराष्ट्र बनाएंगे आप? महाराष्ट्र, ऑल इंडिया, हाँ, ऑल इंडिया। अगर आपको बिजनेस का पेटीएम ऐप जो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यहाँ पर कोने पर, मैंने डाउनलोड किया है और मैं उसको यूज भी करता हूँ। तो आपको बिजनेस, पेटीएम बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आप जो है कहाँ से भी कर सकते हैं, या भाई जो है आपको करके देंगे, है ना। तो आपका बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए। तो जो है वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।